हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल का लड्डू। आइए बताते हैं उसमें क्या क्या सामग्री है। दोस्तों, ये कद्दूकस किया हुआ नारियल है, काजू है, बादाम है, ये बादाम है, ये शक्कर है, ये छोटी इलायची है, और ये हमने दूध आधा लीटर बॉईल कर रहे हैं। ध्यान रहे दोस्तों, दूध में मलाई नहीं पड़ना चाहिए, नहीं डालना है इसमें। ऐसे इसको चलाते रहिए, ध्यान रहे साड़ी ना पड़े, और पानी तो बिल्कुल नहीं डालना है। दोस्तों इसको दोस्तों ये आधा दूध जल जाए, थोड़ा सा रह जाए 1 कप, तब इसमें शक्कर डालें, उसके बाद अपना सारा सामग्री डाल के मिक्स करें। दोस्तों, हमारा दूध पक गया है, जल के आधा हो गया है। अब इसमें हम कूटा हुआ बारीक इलायची डालेंगे। हमने इलायची कूट लिया है, अब इसमें अपना कद्दू का हुआ बारीक नारियल डाल रहे हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाते रहें। अभी अपना शक्कर डाल रहे हैं 1 बाउल, 1 बारीक कटा हुआ बादाम है, अभी इसमें थोड़ा सा काजू डालेंगे, बारीक कटा हुआ काजू हो गया। अब इसको दोस्तों अच्छी तरह से मिलाते रहें। दोस्तों, इसमें 1 चम्मच घी डाल रहे हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छा से अच्छा लगेगा, स्वाद भी बढ़ जाएगा। इसको खूब अच्छी तरह से ऐसे मिलाते रहे जब तक ले नहीं सूखे। दोस्तों, ये हमारा सारा सामग्री पक चुका है, अभी हमारा नारियल का लड्डू बनने जा रहा है। इसको ठंडा होने तक 15-20 मिनट तक इंतजार करेंगे। दोस्तों, ये हमारा ठंडा हो गया, अभी ऐसे ऐसे इसको हल्का पानी लगा के हाथ में इसको जितना साइज आपको चाहिए उतने साइज का आप बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी दिल करे बनाओ, भगवान का भोग भी लगाओ, खुद खाओ। हर तीज त्यौहार में तो बनता ही है, खरीदना पड़ता है, हम घर पे बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ये अपना हो गया लड्डू तैयार। दोस्तों, हमारा लड्डू बन गया है नारियल का। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।